बांडीपुरा में अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन की टीम से असेंबली इंतखाबात के ऐलान की उम्मीद है। वो कश्मीर के दो दिनों के दौरे पर आए हुए हैं, उनका खैर मकदम करना चाहिए। बुखारी ने बांडीपुरा के मलंगम में हजरत नंगा बाजी साहब की मशहूर दरगाह में माथा टेका, जहाँ पे इन दिनों उर्स चल रहा है। यहाँ पर अपनी पार्टी वर्कर्स जम्मू कश्मीर के अमन चैन की दुआएं मांगते नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले इलेक्शन में जरूर हिस्सा लेगी और पार्टी छोड़ने वालों से हमारा यही पैगाम रहेगा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी। एक बात बोलो, इलेक्शन अनाउंस होंगे और हम तो इंतजार कर रहे हैं इलेक्शंस का, बड़ी बेताबी से इलेक्शन का लोग इंतजार कर रहे हैं। हैं लोग जाते हैं, मकसद सियासत का है लोगों की खिदमत करना। कुछ लोगों को लगता है कि इस जमात में काम दूसरी जमात में ज्यादा कर सकते हैं, करना उनको भी लोगों की खिदमत है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। ऐसा कोई नहीं होता है कि नहीं साहब, कल जो साथी था आज वो हमारा कोई विरोधी है, साथी साथी ही रहते हैं। हम सब इसी फील्ड में हैं, पॉलिटिकल महाज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन आने वाली हमने जो उनसे बात की वो हमने इलेक्शन के बारे में जो बात की ठीक अच्छे तरीके से होनी चाहिए, अमन अमान से होने चाहिए, उसके लिए सिक्योरिटी यहाँ ठीक नहीं है, उसके मुताबिक बात हुई। और नोमैड्स जो हिली एरियाज में चले गए उनकी बात होगी, ओल्ड एज में जो वोट डालने जाता है उसका बात होगी। तो उनको हमने राइटिंग भी दिया, सब कुछ वो लिखे हैं, तो उन्होंने एश्योर किया कि यहाँ इलेक्शन होंगे ज़रूर और पीसफुल तरीके से होंगे। ये से हमको कहा इलेक्शन हमने जो बातें जैसे कहा कि है ड्रिवन ए मोमेंटम फर्स्ट के कांग्रेस पार्टी रेडी टू गिव इलेक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। वी वांट कंकड़बाग में सहयोग देंगे।